अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लंदन वाले। तो जी ऑफिशियली रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो सब मुसलमानों को पूरी दुनिया में हमारी लंदन वाली फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो आज जी हमारा पहला रोज़ा स्टार्ट होने वाला है, टाइम वैसे थोड़ा ही रह गया है। तो मैं और बेगम उठ गए हैं, अदील का वेट हो रहा है। वैसे आज हरीम का हमने पहला रोज़ा रखवाना था, लेकिन अभी फ़िलहाल आज नहीं, क्योंकि उसका स्कूल का भी पहला दिन है और बच्चे आजकल ज़रा मौसम की वजह से तबीयतें भी बच्चों की ठीक नहीं है। तो इंशाल्लाह एक दो दिन बाद देखते हैं। तो हरीम का वैसे दिल तो बहुत था कि वो रोज़ा रखे, तो चले हम लोग पहले खाना शाना खा लें, क्योंकि 10-15-20 मिनट ही रह गए हैं। तो और मैं दिल को उठाऊं तो फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। जी मेरा खाना तो रेडी है, मैं तो जो है पराठा अंडा रोल बना के खाने लगा हूँ। अदील को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, भाई साहब उठ नहीं रहे, लेट हो जाना है उसने। खैर चलो हम शुरू करते हैं। तो जो है ना, वैसे हमने सोचा कि इस रमज़ान में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग ना थोड़ी सी डाइट स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा अपनी सेहत पे भी ध्यान दें, वजन शजन कम करें। तो हमने इस रमज़ान को ज़्यादा खब्बे शब्बे नहीं खाने, कोई पकोड़े ऑयली चीज़ें और इस तरह की, तो हमने जो है ना हल्का फुल्का खाना फ्रूट सलाद और ये सब चीज़ें, ताकि जो है ना वजन शजन भी कम हो। तो चलें अब मैं खा लूँ फिर बाकी बातें करते। ले जी 10 मिनट रह गए हैं और मेरे भाई साहब अब उठ के आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। नहीं साहब 10 मिनट रह गए, स्पीडे मारो। आए हाय हाय, मेरा तो पराठा ख़त्म हो गया, बस कहते अब चाय पीनी है। हरी ने लड़ना से बहुत मुझे रोज़ा को नहीं रखवाया। हाँ जी दिल साहब आप क्या सैरी कर रहे हैं? स्पेशल पाकिस्तानी ब्रांड है मिल्क पैक की मलाई, बड़ी खाई है यार पाकिस्तान में। वो इतनी ज़्यादा। तो ये बस इतनी सारी और कुछ नहीं साथ खाना? टाइम ही नहीं बचा। जी तो ये हमारी आलमोस्ट सारी, कितने आई थिंक 47 पे हमारा जो है ना वो बंद होना है। तो जो है ना अभी हम जो है ना पियेंगे चाय, चाय भी आपको दिखा लेते हैं। ये है जी हमारी चाय, फ्रेरो रोशर का डब्बा है, लेकिन हमने वो नहीं खाना क्योंकि हमने मीठा छोड़ दिया है। अब हम करेंगे डाइटिंग, फुल डाइटिंग। ये है जी मुस्लिम प्रो ऐप, इसके मुताबिक 3 मिनट रह गए हैं, 4:43 अगर आपको नज़र आ रहा है। तो चलें जल्दी जल्दी फिर चाय पी लें, टाइम वेस्ट ना करें, तो फिर आपके साथ बाद में फिर गपशप लगती है। जी अजान हो गई, अब हम जाके करें वुजू और फिर पढ़ें नमाज और उसके बाद फिर हम सो जाएं। तो घर में पूरे अंधेरा है, तो चलें नमाज पढ़ लें फिर मिलते हैं। लें जी नमाज हमने पढ़ ली, अब हम लगे हैं सोने, तो फिर आपसे मिलते हैं सुबह उठ के, क्योंकि अभी यहाँ पे 5 हुए हैं और 5 जो है बहुत अर्ली है, बच्चों ने स्कूल जाने के लिए उठना है तकरीबन 8 बजे। तो फिर मिलते हैं आपसे सुबह। हाँ जी तो वेलकम बैक, उठ गए हम लोग, आज पहला रोज़ा था, आज थोड़ा ज़्यादा ही सो लिया।
तो अभी जी बच्चों को स्कूल से ले जाने का टाइम है, और नॉर्मली मेरा भाई इस टाइम जिम गया होता है, लेकिन आज क्योंकि रोज़ा है तो वो जिम नहीं गया, तो वो घर में ही टाइम पास कर रहा है। ये देखें जी टाइम पास, क्या बात है। चलो दिखा दो। और अदील साहब ठीक हो? पहला रोज़ा कैसा गुजर है? अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छा गुजर है। तो जी मेरा एक छोटा सा पार्सल भी आया हुआ है, तो पहले उस पार्सल को ऑन करें, खोलें। ये ज़रा इसको ऊपर से फाड़ के देना मेरे भाई, जल्दी जल्दी। थैंक यू। तो जी ये है पार्सल। हाँ ये क्या है? और ये भी मैंने, आजकल सगनियाँ बहुत हैं तो बीनी हैट ऑर्डर की थी, वैसे उन्होंने कहा था कि 18 को डिलीवर होगी, लेकिन आज ही डिलीवर हो गई। तो चलो इसको पहन के स्कूल जाते हैं बच्चों को पिक करने। स्कूल में क्योंकि वीडियो शीडियो बनाना, फ़ोटोएँ खींचना अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैं अपना कैमरा घर ही छोड़ के जा रहा हूँ। तो बच्चों को लेके आते हैं, फिर बच्चों को कुछ खाना पिलाना है, फिर उनके कारी साहब का टाइम है। तो चलो मैं निकलता हूँ, फिर आके आपसे बात करते हैं। वैसे कैसी लग रही है नॉर्थ फेस की टोपी? ले जी बच्चे आ गए हैं। आपा क्या कर रही है? आपा संदल बना रही है। वाह, ओ ये आज तो आपा की बर्थडे है। सबको देखने वालों को अगर आपको पता है या याद है तो मेरी बेटी हरीम जो है वो पहले फर्स्ट रमजान को पैदा हुई थी। तो इट्स हर बर्थडे, वी गोना बाय हर गिफ्ट लेटर, मे बी टुमारो और लेटर ऑन। और ये आप लोग खा क्या रहे हो लंच में? वाह हलवा पूरी। रमीन की टीचर ने बोला है रमीन लंच में खाना नहीं थी खा रही, क्योंकि शी वाज सेइंग इन रमदान वी नॉट अलाउड टू ईट। वेल डन रमीन, शी नोज। आपा क्या खा रही है? आपा तो चने खा रही है। हलवा आपा डिजर्ट के लिए बाद में खाएंगी। इंशाल्लाह टुमारो आपा भी हमारी फास्ट करेगी। तो वैसे मेरी टोपी कैसी नहीं लग रही है? तो वी ऑल गोना फास्ट टुमारो। तो चले जी अभी मैं थोड़े बहुत घर के काम कर लूँ बेगम के आने से पहले। रीम ने कुछ कहना है जी? जब मैं स्कूल से बाहर निकल रहा था, मेरे डैडी डिफरेंट हैट पहने थे, मुझे लग रहा था कोई और था। मिस्टर वाली बोले आपके फादर आगे जाए, मैं बोले मुझे रिकॉग्नाइज नहीं बोला। जब डैडी पास आ गया मुझे लग गया ओ ये मेरे डैडी है, दूसरा हैट पहन ला। ले जी टाइम आ गया इफ्तारी का, और पहला रोज़ा हमारा मुकम्मल होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अदील साहब, दिल साहब क्या बना रहे हैं? अभी आपको दिखाते हैं हमने क्या बनाना है। पहले सारा कुछ ज़रा सेट हो जाए ना टेबल पे, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी हमारी इफ्तारी में आज क्या है। जैसा कि आपको हमने बताया हुआ है कि हम लोग अब हल्का फुल्का खाएंगे, ज़्यादा हमने नहीं खाना जो पकोड़े शकोड़े और ये सब चीज़ें। तो एक आधी दफ़ा ट्राई कर लेंगे, लेकिन वैसे हमने जो है ना वेट लूज़ करना है इंशाल्लाह रमज़ान में। ले जी अब आपको दिखाते हैं, ये है जी अरेबियन राइस, साथ हमने चने ऊपर डाल के खाने हैं। सैलड, पहले हम स्टार्ट तो सैलड से करेंगे। मुस्लिम प्रो पे ना मगरिब की अजान हो गई है। मुस्लिम प्रो पे हो गई है, उसका रोज़ा खुल गया। तो चलो जी हम अब रोज़ा खोल लें। लेकिन ये एक और ऐप है, उस पर 6-2 पे है। अच्छा चलो, मैंने वैसे 6-2 पे ही सुना, अभी है 2 मिनट। चलो जी ये है जी हमारा इफ्तारी का सारा एहतमाम। ले जी अजान हो गई है, स्क्रीन नहीं आ रही, तो चले जी बिस्मिल्लाह करें। अजान हो गई, आवाज़ नहीं आई वैसे उस पे कैमरे में। तो ये हम खजूर खाएंगे। तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब हम दुआ कर लें, तो मिलते हैं फिर आपसे इफ्तारी के बाद। हाँ जी तो अब हम पीने लगे हैं चाय, ये देखें जी। और
उसके बाद फिर अब हम करते हैं व्लॉग एंड, क्योंकि आज के व्लॉग का मेन मकसद तो यही था कि आपको आज अपना पहला दिन दिखाएं, रोज़ा हमने कैसे रखा, इफ्तारी कैसे की, ये सब कुछ। तो अकेले हैं, कोई बड़ा नहीं, अम्मा अब्बा हमारे साथ होते, घर वाले होते, पाकिस्तान वाला माहौल होता, कुछ और ही बात थी। यहाँ पे फिर ऐसे ही होता है जो आपने करना होता अपना सिस्टम, तो परदेसियों की लाइफ ऐसी है। तो चले जी, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह बहुत चमक आ गई है। तो एक बार फिर हैप्पी रमजान। कुछ बोल रहा था, रमजान मुबारक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।